अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR UCNET सब्सक्रिप्शन। ये जो टेस्ट है मार्च 28 को है, संडे को 12 बजे से लेके 1:15 तक, जहाँ पे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये फिजिकल साइंसेस के लिए है। रैंक फर्स्ट से रैंक सेकंड वालों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा एक ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक थर्ड से रैंक 10 आपको 75% का स्कॉलरशिप मिलेगा 6 मंथ और एक ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 11 टू रैंक 35 50% स्कॉलरशिप ऐसे ही, और रैंक 36 से लेकर रैंक 150 वालों को 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ऐसे ही सेम आपका अनअकैडमी एक्सेलरेट योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन वन ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR UCNET सब्सक्रिप्शन। ये भी जो है केमिकल साइंसेस के लिए आपका होगा मार्च 28 को संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक। यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे भी सेम है, आपके पास चांस 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप या 20% स्कॉलरशिप, 25% स्कॉलरशिप जीतने का मौका। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन पे आपको ये सब फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। और अनअकैडमी लाया है अभ्यास टेस्ट सीरीज बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। ये आपका चल रहा है मार्च 24 से लेके मार्च 26 तक, जहाँ पे अंजलि अरोरा अरोरा फिजिकल साइंसेस के लिए, नूरुल हुड्डा केमिकल साइंसेस के लिए, गजेंद्र पुरोहित मैथमेटिकल साइंसेस के लिए और नेहा तनेजा जो है लाइफ साइंसेस के लिए ये अभ्यास टेस्ट सीरीज लीड कर रही हैं। तो इसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके अभ्यास टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे टॉप क्लासेस हैं बाय इंडिया बेस्ट CSIR UCNET एक्सपर्ट्स लाइक ज्योति कुमारी, गजेंद्र पुरोहित, वीरेंद्र सिंह, ACT, क्रिस्टी वर्गीज, दीपिका गोस्वामी, अंजलि अरोरा, नेहा तनेजा, इनके जो है फ्री क्लासेस हैं आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए और इनके फ्री जो क्लासेस हैं अनअकैडमी वाले एक्सेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। टेरिडोफाइट्स का हम एक पार्ट जो है सॉल्व करा चुके थे, जहां पे हमने 15 क्वेश्चंस का आंसर और एक्सप्लेनेशन दिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके बाकी सारे जो पार्ट टू में जितने भी हो पाएंगे इस 10-15 में, उतने मैं कवर करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, द स्टील हैविंग वन लीफ गैप इज। हाँ, एक चीज़ और, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बदल रहा हूँ आंसर और एक्सप्लेनेशन देने का, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला था कि क्वेश्चन देते समय आप आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मत दिखाइएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा ब्लैंक रख रहा हूँ, आपके पास टाइम है कि आप खुद ही से जो है गेस कर सके तब तक, ठीक है, जब तक मैं उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन नहीं बताता हूँ। तो द स्टील हैविंग वन लीफ गैप इज, आपने पढ़ा था स्टीलर सिस्टम, उसमें वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, एक प्रोटोस्टील था, एक साइफोनो स्टील था, दो टाइप के स्टील थे और फर्दर उसके कई सारे मॉडिफिकेशन थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्टील है जिसमें एक लीफ गैप होता है वो कौन सा है। तो लीफ गैप वाला जो सिस्टम है ये आपको साइफोनो स्टील में मिलता है, प्रोटोस्टील में नहीं मिलता है। अब वहाँ पे उसके दो मॉडिफिकेशन थे साइफोनो स्टील के, एक तो सोलेनो स्टील, एक डिक्टियो स्टील। तो आपको बताना था एक में वन लीफ गैप होता है, मतलब इसका मतलब है नॉन ओवरलैपिंग, और एक ओवरलैपिंग लीफ गैप होता है। तो इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। करेक्ट आंसर है इसका सोलेनो स्टील होगा यहाँ पे, एक मिनट, ये यहाँ पे गलती से प्रोटो स्टील है। ओके, सोलेनो स्टील होगा इसका, ये मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ये देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ आती है, सोलेनो स्टील और डिक्टियो स्टील। हाँ, फर्स्टली यहाँ पे जो आपका था प्रोटो स्टील, इसमें कोई भी लीफ गैप नहीं पाया जाता है, ठीक। साइफोनो स्टील में जब आप पढ़ते हैं तो इसका मॉडिफिकेशन तो सोलेनो स्टील था और डिक्टियो स्टील था। तो साइफोनो स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप इज कॉल्ड सोलेनो स्टील, ठीक। तो यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग होता है, मतलब एक ही लीफ गैप रहता है, और साइफोनो स्टील जो दूसरा मॉडिफिकेशन है इसका डिक्टियो स्टील, वहाँ पे ढेर सारे लीफ गैप होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, और उन्हें डिक्टियो स्टील बोलते हैं। तो ऑप्शन में आप देंगे साइफोनो स्टील तो होगा नहीं, यू स्टील होगा नहीं, सोलेनो स्टील और डिक्टियो स्टील में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था। तो इसमें कौन सा है आपका, सोलेनो स्टील है, जहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप पाए जाते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं अब. इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टील्स आर फाउंड. अब स्टीलर सिस्टम आपने पढ़ा था, बहुत सारे टाइप के स्टील थे वहाँ पे, और जब आप वहाँ पे एग्जांपल पढ़ रहे थे आपने देखा कि कुछ कुछ स्टील एक ही जीनस के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, आइसोइड्स, सटेरिस. तो आपको इसमें ये बताना है कि जो स्टील है किस जीनस में बहुत सारे टाइप के आपको स्टील देखने को मिलते हैं, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, आइसोइड्स या टेरिस. तो चलते हैं इसके आंसर पे. इसका करेक्ट आंसर है लाइकोपोडियम. ठीक, अब जब आप स्टीलर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे प्रोटोस्टील है, तो देखा प्रोटोस्टील का जो टाइप है आपका हैप्लोस्टील, ये आपको लाइकोपोडियम में मिलता है. फिर ये देखिए एक्टिनोस्टील, ये भी लाइकोपोडियम सेरेटम में मिलता है. प्लेक्टोस्टील देखिए, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वॉलीबाइल, ये आपको मिलता है. मिक्स भी आप देखेंगे लाइकोपोडियम सरनम में मिलता है. फिर अगर हम बात करें आगे, कोई एग्जांपल लाइकोपोडियम से मिले तो और तो नहीं दिख रहा है. तो यही है, आपने देखा कि जो ये प्रोटोस्टील है, कई सारे टाइप के जो प्रोटोस्टील हैं, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स टाइप के, ये लाइकोपोडियम के कई सारे स्पीसीज में पाए जाते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टील आर फाउंड इन द जीनस लाइकोपोडियम. क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जाइलम कोर इज स्टिलेट. ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका. जब आपने प्रोटोस्टील पढ़ा था उसमें जाइलम कोर बनाता है, फिर उसको सराउंड करता है फ्लोएम, और फिर उन उसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि जाइलम का शेप वगैरह कैसा है, वो प्लेट के जैसा है या उसमें डिस्पर्स है. उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के आप प्रोटोस्टील पढ़ते हैं. तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोटोस्टील जहाँ पे जाइलम कोर क्या हो, आपका स्टिलेट हो, मतलब स्टार शेप्ड हो, तो वो कौन सा आपका स्टील था? हैप्लो स्टील था, एक्टिनो, साइफोनो या प्लेक्टो. तो मैंने आपसे बोला था स्टिलेट है, स्टार शेप, दैट मीन्स एक्टिनो से आप इसको याद रखिएगा. ओके, तो एक्टिनो स्टील हियर जाइलम इज स्टार शेप्ड एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन बिटवीन द रेडिएटिंग आर्म्स ऑफ द स्टार शेप्ड जाइलम. दिस इज फाउंड इन द फॉसिल प्लांट लाइक एस्टेरोजाइलॉन, स्फिनोफिलम एंड लिविंग टेरिडोफाइट्स लाइक लाइकोपोडियम सेरेटम एंड साइलोटम. तो ये सब आप एग्जाम्पल भी याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन. एम्फीफ्लोइक का क्या मतलब हुआ? एम्फी मतलब आपने पढ़ा होगा, बोथ होता है. फ्लोइक साइफोनोस्टील में आपको पता है बीच में पिथ भी होता है, फिर जाइलम होता है सिलेंडर, फिर इसको बाहर से सराउंड किए रहता है फ्लोएम. पर एम्फीफ्लोइक कंडीशन में क्या होता है, जाइलम के आउटर साइड में, जाइलम के इनर साइड में आपका फ्लोएम पाया जाता है. तो इसे आपका एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील बोलते हैं. अब ये आपसे पूछा है, जब भी मैंने आपसे बोला, जब आप साथ में उसका डेफिनेशन पढ़िए, उसके साथ में उसका एग्जांपल भी आपको याद रखना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील किस पे मिलेगा? ऑफियोग्लासम, मार्सिलिया, टेरिस या लाइकोपोडियम. तो चलते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन पे. आप देखेंगे कि जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है ये आपको कहाँ पे मिलता है? मार्सिलिया में. जो साइफोनोस्टील है, मतलब जहाँ पे पिथ या मेडुला प्रेजेंट होता है, ये दो टाइप का हो सकता है, इक्टोफ्लोइक या आपका एम्फीफ्लोइक. तो इक्टोफ्लोइक में क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है केवल जाइलम के बाहर, जैसे इक्विसीटम, ऑस्मुंडा, साइजिया में आपको देखने को मिलेगा. और जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है, ये एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, ये यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम आउटर और इनर साइड ऑफ जाइलम दोनों जगह पे पाया जाता है. एडियंटम, ड्राफ्टेरिस, मार्सिलिया, प्लेटिजोमा, इन सब में मिलता है. कॉमनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वहाँ पे मार्सिलिया ज़रूर रहता है, बहुत जगह आप देखेंगे. तो मार्सिलिया के साथ आप जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पिथ. इनमें से किसमें पिथ नहीं पाया जाता है, दैट मीन्स प्रोटोस्टील, जो कि स्टीलर सिस्टम का मेन क्लासिफिकेशन है, वो पिथ के ही बेसिस पे है, पिथ या मेडुला जिसे आप बोलते हैं. तो प्रोटोस्टील या जो आपका साइफोनोस्टील है, इसमें मेन डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर यही है कि एक में पिथ होता है, एक में नहीं होता. जिसमें पिथ नहीं होता है वो क्या है, आपका प्रोटोस्टील है. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन. फिर वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये BHO में दो बार रिपीट हुआ है. तो मार्सिलिया मैंने बोला, आपसे याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. स्टील विथ अ पिथ एंड अ फ्लोएम लेयर इज सिचुएटेड ऑन द आउटर फेस ऑफ द जाइलम इज कॉल्ड. कह रहा है एक स्टील है, उसमें पिथ है. जब पिथ की बात आती है तुरंत आप पहुंच जाएंगे साइफोनोस्टील में. और कह रहा है जो आपका फ्लोएम लेयर प्रेजेंट है, ये केवल जाइलम के आउटर फेस पे प्रेजेंट है. दैट मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं.
इक्टोफ्लोइक साइफोनोन स्टील। अभी मैंने आपसे बोला इक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक दो टाइप क्या होता है। इक्टोफ्लोइक किस में मिलता है? एक्विसिटम ऑस्मुंडा और साइजिया में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द एक्वेटिक फर्न इज एक्वेटिक फर्न, इसमें से कौन है? अगर आपने इस प्लांट को देखा होगा कॉमनली ग्रो करते हुए तो आप इसको कभी नहीं भूलते हैं। आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एजोला। एजोला आपको कॉमनली जब भी बारिश के सीजन में कहीं भी आप देखेंगे, पूरा पॉन्ड का ये जो सरफेस रहता है कवर किए रहता है, छोटे छोटे इसके वो होते हैं, फ्रॉन्ट्स होते हैं, ठीक। तो एक्वेटिक फर्न क्या है आपका? एजोला है, जो कि फ्लोट करता रहता है वाटर के सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, विच प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्विल वर्ट, इसमें से किस प्लांट को हम कॉमनली क्विल वर्ट के नाम से जानते हैं? आइसोइड्स, बॉट्रिकियम, आइफियोग्लॉसम या नन ऑफ दीज। तो क्विल वर्ट जो है हम किसको बोलते हैं? आइसोइड्स को बोलते हैं। ये एक एक्वेटिक ट्रेक्योफाइट प्लांट है जो आइसोइड जीनस से बिलोंग करता है। इसका लीव जो होता है क्विल लाइक होता है और बेसिस से यहाँ पे स्पोर इसके निकलते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो क्विल का मतलब क्या होता है? ये जैसे आप विंग देखते हैं बर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न, इनमें से किसको हम वॉकिंग फर्न बोलते हैं? टेरिस एडियंटम, ऑफियोग्लॉसम और सेलाजिनेला। तो वॉकिंग फर्न किस में से बोलते हैं? अगर आपको आंसर पता हो या ना पता हो, इसका मैं आंसर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वॉकिंग फर्न हम बोलते हैं एडियंटम को, एडियंटम कॉडेटम मेनली जो इसका स्पीसीज है उसको, नहीं तो अगर आप जीनस दिया हो तो जीनस के साथ जाइएगा, स्पीसीज दिया हो तो एडियंटम कॉडेटम के साथ जाइएगा। ये जो आपका एडियंटम कॉडेटम है स्पीसीज आपका, जिसको मेडन हेयर फर्न भी बोला जाता है, इसको वॉकिंग फर्न हम बोलते हैं। इसको वॉकिंग फर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका नया प्लांटलेट्स निकलते हैं इसके, तो जो इसके लीव्स होते हैं आगे के, वो जब ज़मीन पे टच करता है तो वहाँ से एक नया प्लांट निकलता है, और ऐसे ऐसे उसका आगे का हिस्सा जब ज़मीन पे टच करता है तो वहाँ से नया प्लांट निकलेगा, ऐसे ऐसे करके ये वॉक एक जैसा करता है, तो इसलिए इसको वॉकिंग फर्न बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज मेडन हेयर फर्न, ऊपर के एक्सप्लेनेशन में आपको आइडिया लग गया होगा किसे मेडन हेयर फर्न हम बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं हम? एडियंटम को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल, इसमें से कौन सा फॉसिल है? ये भी गेस करना आपके लिए काफ़ी ईजी है कि जब भी आप टेरिडोफाइट पढ़ते हैं तो ये आपका सबसे पहले आता है, वो है कौन सा? राइनिया, ठीक। राइनिया कौन सा था? राइनिया मेजर और राइनिया गुनवॉग्नाई, दो स्पीसीज था आपने पढ़ा था वहाँ पे। तो ये था आपके इस वीडियो में 27 क्वेश्चन मैंने कवर किए, ये आपको मैं देता जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉमन नेम्स हैं जो कि स्पेशली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपसे पूछे जाते हैं, या कॉमनली और भी जो MSc एंट्रेंसेज हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। एजोला को एक्वेटिक फर्न बोलते हैं, एडियंटम कॉडेटम को वॉकिंग फर्न बोलते हैं, एडियंटम को ही हम मेडन हेयर फर्न बोलते हैं, आइसोइड्स को क्विल वर्ट बोलते हैं, इक्विसीटम को हॉर्स टेल बोलते हैं, साइलोटम को विस्क फर्न बोलते हैं, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोलते हैं और सेलाजिनेला को लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस बोलते हैं। इक्विसीटम और एक प्लांट है आपका जिम्नोस्पर्म में, नाम मैं उसका भूल गया हूँ, ई से ही उसका नाम है, उसमें आप लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। इफेड्रा, यस इफेड्रा, इफेड्रा और इक्विसीटम, ये लगभग दोनों का हैबिट एक ही जैसा है, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे टेरिडोफाइट के थर्ड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।